उस पे मैं मर मिट गया, दिल मेरा था जो लुट गया, दीवाना मुझे कर गया रे, आंख मेरी लड़ गई रे, ओ दीवाना मुझे कर गया रे, आंख मेरी लड़ गई रे। कहा जाता है कि संघर्ष हर किसी का होता है, लेकिन कहानी उसी की बुनी जाती है जो सफलता के मुकाम पर हो। हमारे साथ एक ऐसे ही लड़के हैं, सफलता इन्होंने अर्जित नहीं की है, पर टैलेंट इतना कुटकुट के भरा है कि ये हमारी गारंटी है कि अगर आप इनको सुनेंगे तो पल भर के लिए नहीं, एक वक्त के लिए स्तब्ध रह जाएंगे। और परिचय बाद में देंगे आपको रोकने के लिए, पहले इनकी प्रतिभा दिखाते हैं। आपको जो लगता है ना कि जो आपका सबसे बेस्ट गाना है वो गा के सुनाइए। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी। खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन को इलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। शास्त्रीय संगीत के पंडित लोग जरा बताएंगे कि इनके सुर में कहाँ गड़बड़ी है और ताल में क्या कमी है। क्या कारण है कि इस लड़के को अभी तक से ना कोई पहचान मिला और ना मिला कोई मुकाम। और अब जानिए इनके संघर्ष की कहानी क्या है। हमने पहले ही कहा कि सफलता कोई अर्जित कर नहीं पाए हैं अभी तक से, इसलिए इनके संघर्ष पर ध्यान जाएगा नहीं। पापा जी क्या करते हैं? पापा का छोटा सा सैलून है। छोटा सा सैलून है जी। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी घर में काम करती है। और आप क्या करते हैं? हम गाना गाते हैं और जैसे कि वेटर वगैरह में काम करते हैं अपने सिंगिंग के लिए। मतलब शादी विवाह में वेटर वाला काम करते हैं जी। अच्छा, और गाना कहाँ गाते हैं आप? गाना जैसे कि वही जैसे कि वेटर वाला काम करते हैं। हाँ। तो वहाँ बड़े बड़े घर में होते हैं जैसे प्रोग्राम, तो इसी वजह से हम जाते हैं कि मतलब पैसा भी आ जाएगा और वहाँ जाएंगे तो मतलब गाने का मौका मिल जाएगा जी। तो वहाँ जाते हैं तो गा लेते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कभी यूज नहीं किए इसके लिए? जी मतलब किए, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं, सफलता नहीं मिली जी। अब सोचिए कि क्यों नहीं सफलता मिली, जबकि गाते अच्छा है। नाम है इनका अमरजीत जयकर और रहने वाले हैं समस्तीपुर के रहने वाले हैं। और इतना बेहतरीन सुर ताल होने के बावजूद ना ही अभी तक से कोई पहचान मिला है ना कोई मुकाम मिला है, जबकि हमारी गारंटी है इनकी है कि इनके सुर ताल में कोई खास कमी नहीं है। और उतनी कमी निकालने के लिए किसी ट्रेंड पंडित को बैठाना पड़ेगा। एक गाना अभी और सुनाएंगे और इसके बाद आप जज कीजिएगा, और अब की बार गाना हम बताएंगे जी। 14वीं की रात वाला गाना। अच्छा, 14वीं का। अच्छा जी जी जी, बिल्कुल जाना। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो, चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किस शायर का ख्वाब हो। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम
लाजवाब हो। और मुझे लगता है कि इनके जैसा गाना गाने वाला, इनके जैसा बेहतरीन गाना गाने वाला हर गली में और हर चौराहे पे मिल जाएगा। हमको लगता है कि इनका टैलेंट सबसे अलग नहीं है, ऐसा टैलेंट सबके पास भरा पड़ा है, लेकिन सबको वो मुकाम वो नाम नहीं मिलता। और जिस लड़के को ये मंच मिल रहा है, आप सबसे अपील है कि सहयोग कीजिए। सहयोग में क्या कैसे लोग कर सकते हैं, आप खुद बताइए। सहयोग में देखिए, पैसा तो ऐसे आ जाता है कहीं से भी, लेकिन हमको सीखना है, सीख के कुछ और आगे हमको करना है। हाँ। क्योंकि हमको सीखने की वजह से ठोकर लगा है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसको सीखें और कंटिन्यू। तो कहाँ से कैसे सीखना चाहते हैं ये बताइए। कहीं से जहाँ से थोड़ा सा अच्छा मतलब सिखाया जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो मीडिया बंधु हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, प्रोग्राम मिले और मतलब समझ में नहीं आया कि हम क्या बोले क्या बोले। ठीक है, यही रीजन है कि हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पे इनका गाना सुनाने की कोशिश किया कि लोगों को अच्छा लगेगा तो सर्च करेंगे कि अमरजीत जयकर बिहार के किस लाल का नाम है, जिसकी कोई पहचान कोई वजूद नहीं, इसका टैलेंट कहीं छुपा हुआ है, गुदड़ी के लाल में उभरने वाला एक ऐसा कलाकार जिसको आप लोगों को मौका जरूर देना चाहिए। मौका मिलेगा तो जाइएगा। चार्ज क्या होगा आपका, अगर मान लीजिए अचानक से बम्पर मौका मिल जाता है किसी बड़े प्लेटफॉर्म से, तो क्या चार्ज कीजिएगा? चार्ज देखिए, सबसे पहले कि हमको पैसा का लोभ नहीं है। हाँ। बस जितना मिले उतना मेरा परिवार चल जाए और मतलब अपना जो पापा को हम अपना किसी भी, हाँ, पापा को अपना बैठा सकें, क्योंकि हम बहुत देखे हैं टूटा हुआ दुकान है, बारिश आती है काम नहीं चलती है, क्योंकि वो बड़ा सैलून है नहीं, 10-20 रुपया कमा लेते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा परिवार बस खुश रहे। और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इतना गरीब परिवार की अभी ये आ तो गए हैं पर जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, इतना गरीब कि एक मंच इनको मिला, दो चार मंच तो इनको लगा कि चलिए ठीक है, जो भी हमारी जमा पूंजी है उस जमा पूंजी से हम यहाँ पे आ जाएं, बाकी का आगे देखा जाएगा। तो कुछ भाइयों ने सहयोग किया है और हम लोग भी सहयोग करेंगे ताकि आगे के लिए इस सिक्योर हो चुके, और बाकी हमारी जितनी ताकत है हमने वो पब्लिक प्लेटफॉर्म का मंच दिया इनके लिए कि कुछ बेहतर कर सके। और कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। या शायरी वायरी पढ़ते हैं? नहीं नहीं, शायरी नहीं पढ़ते हैं। हाँ। और कुछ गाना गाने के अलावा? जी, गाना हम लिखते भी हैं और अच्छा। खुद से कंपोजिशन भी तो करते कोई हैं। गाना लिखा है आप? जी। वो गा के सुनाइएगा जी, एकदम थोड़ा सा तेज स्वर में सुनाइएगा उसको, सुनाइए। मेरे सामने थी जो वो गली जिसमें रहती थी एक परी, हो मेरे सामने थी जो वो गली जिसमें रहती थी एक परी, उस पे मैं मर मिट गया, दिल मेरा था जो लुट गया, दीवाना मुझे कर गया रे, आँख मेरी लड़ गई रे, ओ दीवाना मुझे कर गया रे, आँख मेरी लड़ गई रे। ये गाना अच्छा और गाइए। नहीं, ये गाना इन्होंने खुद लिखा है, कंपोज खुद किया है, टाइटल इनका है, सब चीज ओवरऑल इनका है, धुन इनका है। अब बताइए इस लड़के में क्या कमी है, अब बताइए कि आप लोगों को क्यों ना आगे आके इनका सहयोग करना चाहिए। बाकी नंबर और डिटेल्स वगैरह सब कुछ डाल देंगे, जैसे जो बन पड़ेगा सहयोग कीजिएगा जरूर। देखने के लिए धन्यवाद, और अमरजीत भाई आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।